बच्चों आज शुरू कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, उच्चतम या निम्नतम मान, किसी फलन का उच्चतम या निम्नतम मान, इसको हम समझ लेते हैं कि ये हम क्यों कर रहे हैं। पहले ये समझते हैं, जैसे कोई फलन है उसका हमने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ है, तो हम ये देख रहे हैं कि ग्राफ कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इसके अलग अलग उच्च शिखर है, एक शिखर ये है, एक उच्च शिखर ये है, एक उच्च शिखर ये है और एक उच्च शिखर, ये उच्च शिखर नहीं माना जाएगा क्योंकि कर्व यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है, बात हम कंटिन्यूस कर्व की ही करेंगे। अब इसका न्यूनतम स्तर कौन सा है, ये तो कर्व जहाँ न्यूनतम है, अगर मैं यहाँ पर एक्स एक्स पे लंब डालूंगा तो कोई ना कोई एक्स का मान आएगा वहां पर। ठीक है, इसे एक्स वन कह दो, यहाँ लंब डालूंगा अगर मैं तो ये एक्स टू हो गया, यहाँ ये एक्स थ्री हो गया और ये एक्स फोर हो गया। ये जो ऊंचाई है ये एफ एक्स फोर आई, क्यों ये एफ एक्स थ्री, ये एफ एक्स टू, ये वाली लंबाई। तो ये फलन जो वाई बराबर एफ एक्स है, ये फलन का उच्चतम मान है एफ एक्स, और ये फलन का उच्चतम मान किस मान पर प्राप्त हुआ है, एक्स वन। फलन का निम्नतम मान है एफ एक्स वन किस पर प्राप्त हुआ है। तो इस चैप्टर में हम दो चीजों को ढूंढेंगे, एक एक्स का वो मान जहां पे फलन अधिकतम है या न्यूनतम, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल। पहले हम ये पता कर लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पता होने के बाद हमें ये पता लग गया कि एक्स के इन मानों पर फलन उच्चतम होता है या निम्नतम होता है। फिर हम ये जांच करेंगे, एक रूल बताऊंगा मैं जिसकी सहायता से ये पता लगेगा कि एक्स के किस मान पर फलन उच्चतम है और किस मान पर फलन निम्नतम। जैसे हमें ये पता लगेगा कि एक्स के किस मान पर फलन उच्चतम है निम्नतम है, हम तुरंत उस मान पर फलन का मान ज्ञात करेंगे, वो मान वाई का है और उच्चतम और निम्नतम जहां निकल रहा है वो किसके मान है, एक्स के। ये कहलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। और इन क्रिटिकल पॉइंट का क्या काम है, वो ये बताते हैं। अच्छा, ये क्रिटिकल पॉइंट निकलते कैसे हैं, आपने टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा है, टेंजेंट में अगर मैं यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बना दूं जो उच्चतम और निम्नतम मान है, केवल यही एक ऐसे मान है जहां पर स्पर्श रेखा बनाने पर x x के समांतर स्पर्श रेखा है, बाकी किसी भी मान पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो x x के समांतर नहीं आएगा। तो जिस पॉइंट पर भी हम उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात कर रहे हैं, उन पॉइंट्स पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, वो स्पर्श रेखा x x के समांतर होती है। अगर x x के समांतर है तो y x से कितना कोण बनाएगी, जीरो कोण बनाएगी, x x के समांतर रेखा, क्योंकि प्रवणता किसको कहते हैं, अगर हम टैन ले लेते हैं तो वो कहलाता है प्रवणता। और ये प्रवणता हमने कल ही समझाया था आपको, क्या होता है, है ना, या हम इसे कह सकते हैं d ओवर dx ऑफ fx, जिसे हम f(x) भी कहते हैं, y1 भी कहते हैं और कभी-कभी y2 भी कहते हैं, ये सब एक ही नाम है। ठीक है, यानी जिस बिंदु पर उच्चतम और निम्नतम मान निकालने हैं उस बिंदु पर जो रेखा है स्पर्श रेखा है वो x x के समांतर होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy / dx होता है, और x x के समांतर है तो कितना कोण बनाएगी, जीरो। प्रवणता कितना हुआ, टेन जीरो, जीरो। यानी दुनिया में x x के समांतर सभी रेखाओं की प्रवणता कितनी होती है, और y x के समांतर जितनी भी रेखाओं की प्रवणता कितनी होती है, टेन नब्बे अनंत हो जाती है, क्योंकि वो x x से कितने कोण बनाएगी, नब्बे। तो यानी x x के समांतर रेखा की प्रवणता जीरो हो गई, और वो प्रवणता dy / dx होती है, यानी dy / dx कितना होगा, यानी हमें ये पता लग गया कि उच्चतम बिंदु जो निकलेगा, उच्चतम मान जो निकलेगा वो केवल उस मान पे निकलेगा जिस मान के लिए dy / dx कितना होगा। तो मैक्सिमा मिनिमा ज्ञात करने का सबसे पहला चरण ये है कि आप डेरिवेटिव निकालेंगे dy। ठीक है, स्टेप टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का नाम कर दो एफ एक्स जिसे हम वाई भी कहेंगे। पहला स्टेप क्या है, स्टेप वन, स्टेप वन है फाइंड एफ डैश एक्स या
अगर उसका नाम वाई रख दिया तो डिवाइड अपॉन डी एक्स, और अगर उसका नाम एफ एक्स रख दिया तो डी एफ एक्स ओवर डी। कोई दिक्कत? स्टेप टू, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू या डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यानी जितने भी सवाल आपने पहले हल किए हैं आज तक वो डीवाई अपॉन डी एक्स को निकाला, उन्हें उठा के जब जीरो के बराबर रखोगे तो मैक्सिमम मिनिमम का सवाल बन जाएगा। ठीक है, वहां तक तो हो ही गया ना काम। यहाँ स्टेप थ्री में क्या होगा? स्टेप थ्री में होगा सॉल्व एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो एंड फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स विच कॉल्ड कौन से पॉइंट, यानी कुल मिला हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेने। और क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? डिवाइड अपॉन डी एक्स को जीरो के बराबर रखते हैं, जो एक्स का मान आता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट पता लग गए? ठीक, मान लो वो क्रिटिकल पॉइंट 10-15 आ सकते हैं, 3-4 आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, डिपेंड करेगा डिवाइड अपॉन डी एक्स का मान। रैखिक है, लीनियर है तो 1 आएगा, क्वाड्रेटिक है, द्विघातीय है तो 2 आएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो अनंत आएंगे, है ना। तो वो समीकरण पर निर्भर, हम मान लेते हैं यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक्स वन आ गया, एक्स टू आ गया, और सो आर क्रिटिकल पॉइंट। एक पहला क्वेश्चन भी लेके चलते हैं ताकि आपको सारे स्टेप उनको क्लियर हो। एफ एक्स बराबर 9x² + 12x + 3, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे स्टेप वन में एफ डैश एक्स कितना होगा? 18x + 12। ये कौन सा स्टेप आया? स्टेप टू क्या था? इसको जीरो के बराबर एफ डैश एक्स बराबर जीरो क्यों रखा? टू फाइंड कौन सा पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है? एफ डैश एक्स को जीरो बराबर रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। एफ डैश एक्स का मान कितना है? 18x + 12 = 0, तो x बराबर -12 / 18 कितना? स्टेप फोर फाइंड d2y/dx, फाइंड f डबल डैश और d2y/dx। तो हमारे पास f डैश x कितना था? 18x + 12, क्या निकालेंगे? f डबल डैश x, अगेन डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा? ये कौन सा स्टेप होगा? पांचवा स्टेप क्या है वो आपको बता देगा। पांचवा स्टेप है चेक f डैश x एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव और निगेटिव। अगले स्टेप में आपको चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है एट क्रिटिकल पॉइंट। अब ये अलग बात है कि इसमें एक्स नहीं है, अगर मैं यहां पर घात 3 लगा दूं तो ये कितना आ जाएगा? 18x² + 12। ठीक है, 27 छोड़ 3 मतलब वो फिर मामला बिगड़ जाएगा। यहाँ पे x आपका है नहीं, कोई बात नहीं, हम क्या निकालेंगे? f डबल डैश x कहाँ पर? क्रिटिकल पॉइंट कितना है? -2 एट x बराबर -2/3। अगर इसमें x होता तो मैं यहाँ पे x की जगह कितना लिख देता? -2/3। यानी अब आपके पास आ गया f डबल डैश -2/3 इक्वल टू, इसका मान क्या आया है इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, इसके मान का निशान क्या है? डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए अगर आपको देखते ही आइडिया लग रहा है कि ये पॉजिटिव है तो आगे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये नहीं कि पता लगा कभी कभी सवाल इतना टिपिकल आता है डबल डेरिवेटिव निकल नहीं रहा बच्चे से, ये सब दिख रहा है कि सारे पॉजिटिव टर्म, ये दिख रहा है कि सारे पॉजिटिव टर्म है। तो जब सारे पॉजिटिव टर्म दिख रहे हैं और लीनियर दिख रहा है मामला, ठीक है, तो इसका मतलब इसका मान निगेटिव, या सारे स्क्वायर टर्म है, डबल डेरिवेटिव निकाला सारे पद जो है स्क्वायर है, घात 4 है या घात 8 है,
ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि घात चार वाले का जो है वो जो डबल डेरिवेटिव जो निकाला है तुमने, घात चार है तो घात चार तो पॉजिटिव हो गया। यानी अगर आपको ये आइडिया मिल जाता है कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है या डबल डेरिवेटिव निगेटिव है, तो उसकी वैल्यू निकालने के चक्कर में ना फंसना, अगर आपको स्पष्ट पता लग रहा है। ठीक, यहाँ से हमें दिख गया, केवल हमें क्या साइन चेक करना है, इसका साइन। अगला स्टेप क्या था, चेक वेदर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव और निगेटिव, कहाँ पर, ठीक है, यानी दैट इज एफ डबल डैश एक्स वन और एफ डबल डैश एक्स टू, इनको हमें चेक करना है। अगर दो मान होते यहाँ तो एक ही है, और इससे ज्यादा होते तो उससे ज्यादा वाले भी चेक करते। अब स्टेप फाइव क्या है, सिक्स क्या है इसका, इसी में सारी कहानी हल हो जाएगी। स्टेप सिक्स है कि एफ डबल डेरिवेटिव जो है डी टू वाई ओवर डी एक्स, कहां पर, एट क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू ऑफ, इतनी अंग्रेजी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है अंग्रेजी में, वैल्यू ऑफ डी टू वाई ओवर डी एक्स टू एट क्रिटिकल पॉइंट इज पॉजिटिव, देन अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है तो y बराबर एफ एक्स जो हम लेके चले थे इज मिनिमम एट वैल्यू ऑफ, एट दैट वैल्यू ऑफ, और इफ एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, या वन कह दो, is negative, then fx is maximum. ठीक है, डबल डेरिवेटिव जो है जिस मान के लिए धनात्मक होगा उस मान के लिए जो फलन है, डबल डेरिवेटिव नहीं, जो फलन है जिसका तुमने डेरिवेटिव किया था यानी एफ एक्स, ये फलन x के उस मान के लिए मिनिमम, और अगर डेरिवेटिव x के उस मान यानी क्रिटिकल पॉइंट के लिए नेगेटिव आ रहा है तो ये फलन उस मान के लिए मैक्सिमम। अब यहाँ पर ये कभी कभी तो इधर ही पूछता है कि भैया क्रिटिकल पॉइंट बता दो, ठीक है, कभी कभी कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, उस केस में x का मान इस फलन में रखकर आपको मैक्सिमम मिनिमम मान निकालना पड़ेगा। कभी कभी शब्द प्रयोग करता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम, जब लोकल प्रयोग कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि फलन का जो मैक्सिमम और मिनिमम मान है वो बहुत सारे, यहाँ के लिए सारे मानो क्या कहेंगे हम, लोकल लोकल, ठीक है, इसके चक्कर में जाना पड़े आपको, तो बस मैक्सिमम और मिनिमम निकाल। तो अगर हमसे मैक्सिमम मिनिमम, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हम सिक्स स्टेप वाला लगाएंगे, देन एफ डबल डैश माइनस टू अपॉन थ्री कैसा है, इज पॉजिटिव, सो किस फंक्शन के बारे में जानकारी मिली, एफ एक्स एन बाय इज जैसा होगा मिनिमम, कहां पर, एट एक्स इक्वल टू माइनस टू अपॉन थ्री। अब क्या निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू माइनस टू अपॉन थ्री, यानी एफ मिनिमम, ठीक है, तो एफ मिनिमम एक्स कितना आ जाएगा, एफ माइनस टू अपॉन, बात समझ में, और कभी कभी इसको y मिनिमम भी कह देते हैं, fx का मतलब तो y ही होता है, तो कितना आएगा, इसमें आप x की जगह माइनस, कितना आएगा, 9 गुणा 4 बटे 9 प्लस माइनस 3 चौक 12 माइनस 8 प्लस 3 9 से 9 गया, कितना बचा, 4 और 3 7 और 7 माइनस, तो f मिनिमम कितना आ गया। अब आपसे कहें f मैक्सिमम निकालो, तो इसमें f मैक्सिमम पॉजिटिव है, नेगेटिव वो प्लस आया, क्योंकि डबल डायरेक्ट जो क्रिटिकल पॉइंट था वो एक ही था, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये भी आ सकता है कि इस फंक्शन की कितनी मैक्सिमम और कितनी मिनिमम पॉसिबल है, या ये भी कह सकता है कि इस फलन के कितने अधिकतम मान हो सकते हैं, कितने न्यूनतम मान हो सकते हैं, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पूछ लिया, ठीक है, तो उस केस में आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, जितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उतने ही मैक्सिमम और मिनिमम। कभी कभी
दो तीन सवालों में या एक आध सवाल में ऐसा होगा कि डबल डेरिवेटिव में मान रखने के बाद जीरो आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव में मान रखोगे तो जीरो तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ना, वो तो पोजीशन है जो पॉजिटिव नेगेटिव बताती है, तो फिर यहाँ पर ये टेस्ट काम नहीं करेगा। इसके लिए फिर हम फर्दर दूसरे तरीके बताए, अभी हम जितने सवालों पर बात करेंगे हाल फिलहाल में वो सारे वही सवाल होंगे, लगभग 99% सवाल सारे वही होंगे जो इस स्टेप से हल हो जाएंगे, जिसमें पहले आपको फंक्शन दिया है, आप उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे, समीकरण हल करके एक्स के मान निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स के मान और डबल डेरिवेटिव में डालेंगे, उसका निशान चेक करेंगे, धनात्मक है ऋणात्मक है, धनात्मक है तो एक्स के उस मान के लिए फलन का मान मिनिमम होगा और ऋणात्मक है तो उस मान के लिए मैक्सिमम। कोई दिक्कत इतने काम में कहाँ प्रमाण है ये वाला यहाँ सवाल में किताब में जी सर। तो हमने सवाल बदल दिया ना ठीक है, तभी तो हमने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला ठीक है, वो होमवर्क है आपका, वो आप घर जाके करोगे ठीक है। चलो फटाफट अभी तो जगह है, रुक जाओ छोटा मोटा मान लीजिए। चौथा सवाल क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित फलनों के या उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है, ये मुझे सिद्ध करना है। और एग्जाम में जो सवाल आएगा आएगा एग्जैक्ट ठीक है, वो कहेगा उच्चतम या निम्नतम मान याद कीजिए यदि संभव है ठीक है। यहाँ पे इसने कह दिया कि पहले बता दिया, तो किताब से करो, पहली बार में तुम्हारे ऊपर मान लो जो है दबाव डाल दिया जाए, अब धीरे धीरे दबाव डाला जाएगा तो तुम निकल जाओ उससे, इसलिए आपको आराम से बताया गया कि भैया है नहीं, तुम ये बस साबित कर दो ठीक है। पहला पार्ट देखते हैं हम, दूसरा पार्ट इसका सवाल लिखने रहा हूँ मैं ये मानने चल रहा हूँ कि आप इंटर के बच्चे, किताब आपके पास है ठीक है, ये तो आठवें नवे दसवें बच्चों को लिख लिख कर बताया जाता है, आप तो समझदार बच्चे हो देख लेना, लेकिन जितने भी समझदार मत बनना कि सवाल लिखो तो यही ना पता लगे कि सवाल है क्या, कल चेक करूंगा सबका। फंक्शन दे दिया, अब कह रहा है बताओ इसके उच्चतम या निम्नतम मान है या नहीं, चलो जरा सिंगल डेरिवेटिव निकाल लो कितना है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की जरूरत तो नहीं है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, समय खराब होगा क्या फायदा, इतना लिखते आ रहे हैं पिछले सवालों में सर ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से लिखो भैया डेरिवेटिव निकाला हमने, ये निकाला है। सेकंड स्टेप क्या है, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, जी डैश एक्स को क्या करेंगे, एक बटे एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर एक बटे अनंत, या कुछ लोग क्या करते हैं फिर से गुणा करते हैं, एक बराबर जीरो गुणा एक्स एक बराबर जो असंभव, जो और असंभव स्थिति जब भी उत्पन्न होती है तो उससे पहले वाली स्थिति गड़बड़ होती है, तो जो असंभव है अतः इसका कोई ये करा क्यों हमने क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, आया क्या असंभव अतः इसके क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात नहीं, और क्रिटिकल पॉइंट पर ही फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम होता है, इसका मतलब अतः इसके मैक्सिमम मिनिमम मान संभव नहीं है। समझ में आ गई बात, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, हम अपना वही तरीका लेके चलते हैं कि भाई तो सबसे आसान तरीका तो यही है, तो ये भी देख लो असंभव, सो नो क्रिटिकल पॉइंट पॉसिबल। अरे संदर्भ से व्याख्या थोड़ी कर रहे हो, मैथमेटिक्स में काम कर रहे हो, शॉर्ट में लिखो नो क्रिटिकल पॉइंट आर पॉसिबल, बात खत्म, क्रिटिकल पॉइंट ही पॉसिबल नहीं है तो आप मैक्सिमम मिनिमम कहां से निकाल लो ठीक। आगे बढ़ते हैं चौथा तीसरा, देखो पहले पर खुद दिमाग लगाओ, एच एक्स बराबर ठीक है, तो टू पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट मत जाना कि हमने जो हिंदी में नहीं लिखना है ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरे हिंदी लिखना, केमिस्ट्री में थोड़ा मैथ में थोड़ा हिंदी लिखने में शब्द थोड़े से मुश्किल होते हैं है ना, उच्चतम निम्नतम उच्चिष्ट निम्निष्ट ठीक है, तो आधा शाह पता लगा सारा दिमाग तो शाह और डा बनाने में निकल जाएगा, कुछ नहीं है इससे काम चल रहा है ठीक है। समय होगा तो मैं पूरा आपको हिंदी में पूरा लिखवाऊंगा, कोई दिक्कत, तो जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना होगा, 3x2 + 2x + 1।
अब ये तो एक क्वालिटी का क्वेश्चन है। हाई स्कूल पर पहुंच जाओ, हाई स्कूल क्या कहता है भैया डी निकाल लो विभक्ति कर, इसके मूल संभव है या नहीं ये डी बताए, क्योंकि कसरत कर ली होगी तीन के ऐसे टुकड़े जुड़ के दो आ जाए, कसरत कर ली ना दिमाग में करनी थी, अब डी निकाल लो बी स्क्वायर माइनस फोर टू स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री इंटू वन फोर माइनस ट्वेल्व कितना आ गया माइनस का आठ। अतः एक्स के कैसे वास्तविक मान संभव नहीं है, वास्तविक मान संभव नहीं है, सो नो क्रिटिकल पॉइंट पॉसिबल। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट पॉसिबल नहीं है, बात खत्म हो गई, उसके आगे हम क्यों बात करें, हो गया सिद्ध, ठीक है। अब तुम ये उतारो फिर हम इसके सवाल वो कराते हैं जो आठ नंबर छः नंबर में बड़े सवाल आते हैं, ठीक है।